आज हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स और थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस को का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने इस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी तरीके से आज हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में भी उस पर फोकस है और लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाए रखे हैं। उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उस पर फोकस रहेगा, सभी ऑफिसर्स उस पर नज़र 24 घंटे लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्राइम्स भी काफ़ी रिपोर्ट होते हैं, हर तरीके के क्राइम्स। ये बीच साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ गया है, हर तरीके का साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो या चीटिंग हो या जो भी हो, तो उस पर निगाह लगाना बहुत ज़रूरी है। ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है वो भी सीक्रेट डार्क नेट द्वारा भी कर रहे हैं लोग, उस पर भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उसके द्वारा हम उस पर भी निगाह लगाने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होगा, रूटीन क्राइम्स पर निगाह होगा और वुमेन सेफ्टी भी जो प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का, उस पर और भी अच्छे तरीके से हम और स्टेप्स लेंगे।
आप सबका मैं सीपी ड्यूटीज़ करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। नहीं, इस पे हैं थोड़े मेजर्स ले सकते हैं जो लिए जा रहे हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो या कॉर्डनेंस सर्च हो, ऐसे बहुत मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो भी ज़रूरी है हम ऑफिसर से रिव्यू करेंगे। मैं आज ही पहला दिन है, जो जो चल रहा है उसका रिव्यू करेंगे और शांति बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी है हम हरगिज़ करेंगे। थैंक यू।